दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1965 में। नासा के साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि साल 1977 में आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक रेयर अलाइनमेंट में आने वाले हैं। ये रेयर अलाइनमेंट 176 सालों में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। नाउ ग्रेविटेशनल असिस्ट, जो उस समय के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, उसकी मदद से नासा का स्पेसक्राफ्ट जुपिटर से नेपच्यून तक के सारे प्लैनेट्स को विजिट कर सकता था। अब दोस्तों इस रेयर अलाइनमेंट का फायदा उठाने के लिए साइंटिस्ट दो स्पेसक्राफ्ट्स भेजने का फैसला करते हैं, जिन्हें आज हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स कहते हैं। नौ 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 स्पेस में जाता है और उसके सिर्फ 16 दिनों बाद वॉयेजर 1 को भी लॉन्च कर दिया गया। वॉयेजर 2 के सामने सिंपल सा टारगेट था कि उसे जुपिटर से होते हुए सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को विजिट करना है। पर साल 1965 में वैज्ञानिक एक और पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि अगर सिर्फ 16 दिनों बाद स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा तो वो वॉयेजर 2 के कंपैरिजन में जुपिटर और सैटर्न तक पहले पहुंच जाएगा। पर इस वाले स्पेसक्राफ्ट के साथ एक कंडीशन थी कि ये यूरेनस और नेपच्यून की तरफ नहीं जा पाएगा। अब वैज्ञानिकों के पास इसे दो डायरेक्शन में भेजने की चॉइस थी, या तो वो इसे टाइटन के करीब से गुजार सकते थे या फिर प्लूटो के करीब से। अब दोस्तों आज की तरह ही उस समय भी टाइटन पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को ज्यादा माना जाता था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने प्लूटो वाला ऑप्शन ड्रॉप करके इसे टाइटन की ओर भेजने का फैसला किया। और यहीं पर वॉयेजर 1 अपने साथी वॉयेजर 2 से अलग डायरेक्शन में चला गया। अब दोस्तों वॉयेजर 1 के बारे में तो मैं आपके लिए ढेरों वीडियोस ला चुका हूं, पर ये वीडियो स्पेशली वॉयेजर 2 को डेडिकेटेड होने वाला है, जिसे 20 अगस्त 1977 को फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल लॉन्च साइट से स्पेस में भेजा गया था और केवल 3 महीनों के अंदर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में एंटर हो चुका था। 19 दिसंबर 1977 को वॉयेजर 1 इससे आगे निकल जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब वॉयेजर 2 को अपनी पहली डेस्टिनेशन जुपिटर तक पहुंचने में करीब 2 साल का समय लगता है और वो 9 जुलाई 1979 को जुपिटर के सबसे करीब पहुंच जाता है। जुपिटर के गैस क्लाउड से 5,70,000 किलोमीटर दूर से इसने जुपिटर के फेमस द ग्रेट रेड स्पॉट की फोटोग्राफ ली थी। इसके अलावा इसने जुपिटर के मून्स एमाल्थी, आयो, कैलिस्टो, गैनीमीड और यूरोपा को भी देखा था। अब दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि वॉयेजर 2 से 4 महीने पहले ही वॉयेजर 1 जुपिटर के पास से गुजर चुका था और वॉयेजर 1 ने इसके मून आयो पर वॉल्केनोज ऑब्जर्व किए थे। वॉयेजर 2 ने आयो पर 9 वॉल्केनिक इरप्शंस को कैप्चर करके वॉयेजर 1 की डिस्कवरी को अप्रूव कर दिया था। अब इस फोटो को देखिए, इसमें आपको जो मून दिख रहा है वो आयो है। अब जरा इस वाली फोटोग्राफ को देखिए, यहाँ वॉयेजर 2 ने यूरोपा की सरफेस को कैप्चर किया था जो क्रैक से भरी हुई लग रही है, और जुपिटर के पास से निकलते समय इसने 3 नए मून्स की भी खोज की थी, जिनके नाम है एड्रास्टी, मेटिस और थीबी। अब वॉयेजर 2 की अगली डेस्टिनेशन थी सैटर्न, यानी कि हमारा शनि ग्रह, जहाँ पर वो अगस्त 1981 में पहुंचता है। अब इस वाली फोटोग्राफ में देखिए, इसमें आपको सैटर्न की खूबसूरत रिंग्स दिखाई दे रही होंगी और उसके 4 मून्स भी विजिबल है। ये 3 मून्स जो कि सैटर्न के डार्कनेस में दिख रही है वो है टेथिस, डायोन और रिया, और ये एक मून जो कि सैटर्न के सामने दिख रहा है वो है मीमास। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मेरे एक फ्रेंड का वेबसाइट है वन विन, जहां से मैं पैसे बनाता हूँ। अब इसमें मेरा फेवरेट गेम है लकी जेट। इस गेम का मेन टास्क होता है पायलट के उड़ जाने से पहले मनी को कलेक्ट करने का। नेक्स्ट मैं जाता हूँ लकी जेट गेम में, जो आपको वन विन गेम्स में मिल जाएगा। अब पैसे कमाने के लिए थोड़ा टाइम दूंगा ताकि ये बढ़े। वाह, 1.55 टाइम्स, मैं 2325 रुपए रखूंगा। अरे 2.13 टाइम्स हो गए, वाह, और मैं जीत गया। इसमें विदाउट कमीशन फास्ट विड्रॉल है, सिंपल रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके हमारे इस प्रोमो कोड को यूज करने पर और सभी न्यू कस्टमर्स को भी ऑन देयर फर्स्ट डिपॉजिट। ओ गाइस देखो कितने जल्दी पैसे आ गए मेरे, नाउ आई कैन रेस्ट। अब दोस्तों वॉयेजर 2 की इस वाली फोटोग्राफ को स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है और इसमें आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि सैटर्न की रिंग्स का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। इस फोटोग्राफ में आप इंसेलेडस पर मौजूद क्रेटर्स को भी देख सकते हो और इस वाली में टाइटन सूरज के बिल्कुल सामने आ गया है। अब इस वाली फोटोग्राफ में आपको लैप्टस का भी क्लोज लुक देखने को मिलेगा। वॉयेजर 2 ने सैटर्न के एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन और उसका टेम्परेचर भी मेजर किया था। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 यूरेनस से अपने क्लोजेस्ट अप्रोच करता है और इस दौरान उसने ऐसी कई चीजें खोजी जो पहले अननोन थी। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के यूनिक एटमॉस्फेयर की स्टडी की थी और इसके रिंग सिस्टम को भी डिस्कवर किया था। साथ ही साथ इसने यूरेनस के 11 नए मून्स की भी डिस्कवरी की थी। अब आपको पता ही होगा कि यूरेनस
अपने एक्सिस पर 97.8 डिग्रीज झुका हुआ है और इसके कारण यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड्स भी काफी अजीब बिहेव करती है। और ये बात भी हमें सबसे पहले वॉयेजर 2 ने ही बताया था। अब इस फोटोग्राफ में यूरेनस के मून मिरांडा को देखिए, बिल्कुल काफी अजीब से शेप का लग रहा है ना। दरअसल ऐसा माना जाता है कि यूरेनस जब एक प्रोटो प्लैनेट हुआ करता था तब किसी विशालकाय ऑब्जेक्ट से इसकी टक्कर हुई थी और इसके कारण जो डीब्रीज पैदा हुए थे मिरांडा उस डीब्रीज से बना हुआ है। अब वॉयेजर 2 के द्वारा ली गई इन फोटोज में आप एरियल, टाइटेनिया, उम्ब्रियल और ओबेरोन के खूबसूरत नजारों को भी देख सकते हो। अगस्त 1989 को वॉयेजर सबसे पहले नेपच्यून के पास पहुंचता है और यहां पर भी इसने नेपच्यून की रिंग्स को डिस्कवर किया था। आज हमें यूरेनस और नेपच्यून की रिंग्स के बारे में जो भी जानकारी मौजूद है उसका फुल ऑन क्रेडिट वॉयेजर 2 को ही जाता है। साथ ही साथ इसने नेपच्यून के 6 नए मून्स की भी डिस्कवरी की थी और वॉयेजर 2 ने ही नेपच्यून के फेमस ग्रेट डार्क स्पॉट को भी ऑब्जर्व किया था जो वहां पर मौजूद कोई स्टॉर्म था। लेकिन बाद में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से नेपच्यून को ऑब्जर्व किया गया तो वहां पर ऐसा कुछ मिला ही नहीं। अब दोस्तों जरा इस हिस्टोरिकल फोटो पर भी नजर डालिए। यहाँ पर कार्ल सैगन कुछ साइंटिस्ट के साथ वॉयेजर 2 के द्वारा ली गई फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। दोस्तों वॉयेजर 2 नेपच्यून के सबसे बड़े मून ट्राइटन के काफी करीब से होकर गुजरा था और उसने इसकी क्लोज फोटोग्राफ भी ली थी। अब इस वाली फोटोग्राफ में तो आप नेपच्यून और ट्राइटन को साथ में देख सकते हो और यहाँ पर आपको नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में एक साइरस क्लाउड दिख रहा होगा। जब आइस क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं तब जाकर हमें ऐसे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। अब नेपच्यून तक पहुंचने के साथ ही वॉयेजर 2 ने अपना टारगेट पूरा कर लिया था और उसके स्पेसक्राफ्ट को नई जर्नी पर भेज दिया गया जो थी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने की। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वॉयेजर 2 के कैमरास को बंद कर दिया गया था। अब एग्जैक्ट डेट बताऊं तो एक कैमरा 10 अक्टूबर 1989 को और दूसरा कैमरा 5 दिसंबर 1989 को बंद किया गया था और रीजन वही वॉयेजर 1 वाला था। दरअसल स्पेसक्राफ्ट के कैमरा सिस्टम को चलाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है और अगर ये फंक्शन करना कंटिन्यू रखते तो शायद ये इतने लंबे समय तक ट्रैवल नहीं कर पाते। खैर 30 अगस्त 2007 को वॉयेजर 2 हीलियोशेट में एंटर हो गया था। ये वो रीजन है जहां पर सोलर विंड्स इंटरस्टेलर मीडियम से इंटरैक्शन के कारण स्लो हो जाती है। अब 5 नवंबर 2018 को फाइनली वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो गया था। साल 2020 में एक बार तो हम इंसानों ने वॉयेजर 2 से पूरी तरह से संपर्क खो दिया था और 8 महीने तक हमें इसका अता पता ही नहीं था। दरअसल डीप स्पेस नेटवर्क जो कि नासा का सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें कुछ मेंटेनेंस चल रही थी और उसी दौरान वॉयेजर 2 से संपर्क टूट जाता है और पूरे 8 महीनों की कोशिशों के बाद कहीं जाकर इससे एक बार फिर कॉन्टैक्ट हो सका। अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तक तो ये हमारे साथ ही कॉन्टैक्ट में है। आज वॉयेजर 2 धरती से 1970 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। अब गाइस अगर इसको पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से कंपेयर करें तो ये इससे 132 गुना ज्यादा दूर है। इसकी करंट स्पीड 15.43 किलोमीटर पर सेकंड की है। अब अगर ये इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो साल 2023 में ये 1972 में लॉन्च हुआ पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट से आगे निकल जाएगा और इंसानों का बनाया दूसरा सबसे फार्देस्ट मौजूद ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस स्पीड से लगातार चलते रहने पर वॉयेजर 2 19,390 सालों में 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है और गाइज हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में इसे 81,438 साल लग जाएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हमारा यूनिवर्स कितना ज्यादा विशालकाय है और इसके सामने हम इंसानों की औकात कितनी छोटी है। फिलहाल वॉयेजर 2 टेलीस्कोपियम कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में है। नाउ दोस्तों फ्यूचर प्रेडिक्शंस की माने तो अगर वॉयेजर 2 ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आज से 42,000 सालों के बाद ये रॉस 248 स्टार के काफी करीब से निकलेगा और आज से 2,96,000 सालों के बाद सीरियस स्टार से सिर्फ 4.3 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से पास होगा। अब यार इसका फ्यूल तो शायद 2025 तक ही खत्म हो जाएगा पर ये स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए स्पेस में आगे बढ़ता रहेगा। नाउ मे बी फ्यूचर में एडवांस्ड एलियंस इसको कैप्चर करेंगे और इसमें रखे गोल्डन रिकॉर्ड की मदद से वो धरती पर रहने वाली एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बावजूद स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का सपना देखा भी और उसे पूरा भी करके दिखाया। वैसे यहाँ पर एक और एक फ्यूचर हो सकती है कि मान लो कि हम इंसान फ्यूचर में बहुत ज्यादा डेवलप कर लेते हैं और आगे जाकर कई हजारों सालों के बाद हम स्पेस ट्रैवल की तकनीक को हासिल कर लेते हैं। अब ऐसे में क्या पता खुद फ्यूचर के इंसान ही उस स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर कर ले और अपने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में ज्ञान हासिल कर सके।
वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होगा, क्या एलियंस इसे कैप्चर कर पाएंगे या फिर खुद इंसान ही फ्यूचर में इसे कैप्चर करेगा या फिर ये यूं ही हमेशा के लिए भटकता रहेगा? नीचे कमेंट करके अपना जवाब जरूर लिखना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।